आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत स्पेशल मावा कुल्फी रेसिपी। वैसे ये घर पे बनाना बहुत ही सिंपल है, बिना किसी खर्च के घर के रखे सामानों से बहुत ही आसानी से बनाएंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट कुल्फी बनेंगे, बिल्कुल मावा फ्लेवर। तो चलिए आज का वीडियो ही पर स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बादाम है 10 से 15 इसे भिगो दिए हैं और इधर काजू भी उसे भी हमने भिगो दिए हैं। इन दोनों को 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिए थे, तो ये अच्छे तरीके से भीग गए हैं। और इधर हमने तल मखाने 1 कप ले रखे हैं। तो चलिए इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर मिक्सी का जार ले रखे हैं। अब इसमें भीगा हुआ बादाम और भीगा हुआ काजू भी ऐड कर देना है और तल मखाना भी ऐड कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पिट्स तैयार कर लेंगे। और इधर हमने पैन में रख दिया है फुल क्रीमी 2 पाव दूध। तो अब इसे हम इसे हाई फ्लेम पर ही अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे। हाई फ्लेम पर जल्दी से दूध पक जाएंगे। तो इसमें मलाइयाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो इसे किनारे ले जाकर छोड़ दें, इसका मलाइयाँ तोड़े ना। तो बस इसे इसी तरीके से पकने देते हैं। दूध को हमने लगभग पकाते आधे कर दिए हैं। तो जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किए हैं अब हमें इसमें ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हमें अच्छे तरीके से पकाना है। अब हमें एक क्या करना है, इस तरीके से कढ़ाई लेना है और इसमें हम 2 कप चीनी ऐड कर रहे हैं। तो अब इसमें हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसी तरीके से इसे हम देखिए इस तरीके से मेल्ट करेंगे चीनी को। इसे हमें एक पाक की तरह ही तैयार करना है। तो देखिए गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए बहुत ही अच्छे से पाक तैयार हो गया है। और इधर दूध भी बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो अब ये जो पाक बनाकर तैयार किए हैं अब इसमें हमें ऐड कर देना है। अब इसे हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये मावा का फ्लेवर भी ले लिया है। तो पाक डालने के बाद इसे 2 मिनट पकाएं। इसके बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसे ठंडा होने दें इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक छोटी वाली इस तरीके से गिलास लेना है जिससे हम लोग चाय पीते हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें भरकर तैयार कर लेना है गिलासों में। तो 3 गिलास हो गया है तैयार। अब इसके ऊपर हम फॉइल पेपर लगा देते हैं। तो बस इसी तरीके से फॉइल पेपर लगाने के बाद इसे 4 से 5 घंटा फ्रिज में रख दिए थे और ये देख सकते हैं 5 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे से जम गए हैं। तो देख सकते हैं ना, एकदम से जम गए हैं। अब हमें क्या करना है, एक नाइफ लेना है और इस तरीके से घुमाना है। तो मैंने घुमाया नहीं निकला, बस हमें ठंडा पानी लेना है और गिलास के ऊपर डालते रहना है। इसके बाद 1-2 सेकेंड के बाद ये बहुत ही अच्छे से निकल कर आ जाता है बाहर। तो देख सकते हैं थोड़ा सा नाइफ को घुमाते हुए निकाले और ये बहुत ही ईजी से निकल जाता है। तो ये देखिए व्रत के लिए तैयार है ना, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और ना ही आपको कुछ लगने की ज़रूरत है। अगर आप व्रत हैं और कुल्फी खाने का मन है तो आप इस तरीके से बनाना। तो चलिए बहुत ही झटपटे मावा फ्लेवर वाला बन भी जाता है और सच में दोस्तों ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक बार बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।